बस यही कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छा लग रहा है कि सेकंड फिल्म आ रही है मेरी और इनकी पहली फिल्म है. इन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है और बहुत ही मेहनती लड़की हैं और मुझे बहुत खुशी है कि जिन्होंने टीज़र देखा है जो ऑनलाइन देखा है एटलीस्ट तो उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है. अब देखेंगे कि ऑडियंस को आगे कैसा लगता है. जी हाँ, ये है नवनीत ढिल्लन, ये है मेरी फिल्म की हीरोइन लक्षदा की. और आगे आप अपने बारे में खुद ही बोलिए. थैंक यू. हाँ जी, मुझे ये फिल्म करने में भी बहुत मज़ा आया एंड हमारी पिक्चर बहुत यंग लोगों से, कॉलेज स्टूडेंट से कनेक्ट करती है. तो डेफिनेटली आज जो टीज़र का रिस्पांस मिला है वो बहुत खूबसूरत है. आगे आगे आप ट्रेलर देखेंगे, बहुत सारी नई नई चीज़ें आने. अभी तो सिर्फ आपको टीज़ किया है, अभी तो ट्रेलर पिक्चर बाकी है. अभी तो बहुत कुछ बाकी है एंड बहुत कुछ अलग आने वाला है एंड सो देखते जाइए. काफ़ी समय बीत गया, मतलब 2 साल हो गए. हाँ, जी आपने लास्ट फिल्म की थी. जी जी जी. खासकर इसके लिए काम कर रहे थे आप, तैयारियां कर रहे थे? अरे यार, किसी ने मुझे सीरियसली नहीं लिया यार. मैं बोला यार मैं करना चाहता हूँ काम, मुझे अच्छा काम दो. ऐसा नहीं था कि बट स्क्रिप्ट बहुत ओके सी आई तो मैं बोला यार काम करूँगा तो अच्छा करूँगा, ये तो फिर यू नो आने का फ़ायदा क्या. तो बस हाँ, और मुझे लगता है कि फाइनली देर आए दुरुस्त आए और एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म है और बहुत ही यंग फ्रेश फिल्म है और गाने भी इंशाल्लाह अच्छे लगेंगे लोगों को. लेट्स सी. लव स्टोरी. अरे आप जो समझना चाहो वो है यार. कितना डिप, बहुत सारी फिल्में बनती लव स्टोरी आधारित होती हैं तो ये कितनी डिफरेंट होने वाली ना. जी अभी ज़्यादा बिना ज़्यादा कुछ फिल्म के बारे में कहे मैं इतना कहूँगा कि ये फिल्म जितनी अच्छी दिखती है कि जिस फन है, फन भी है, इमोशन भी है, सब है. इट्स अ गुड फिल्म. जी नवनीत, आप नर्वस हैं क्या? फर्स्ट पहली फिल्म है, यू नो. मैं नर्वस तो नहीं हूँ, मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ बिकॉज पता है कि पिक्चर बहुत अच्छी बनी है एंड जब आप भी देखेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा पिक्चर देखने में. बिकॉज हमारी पिक्चर डेफिनेटली, जैसे गिरीश ने कहा कि आप लव स्टोरी कहें तो लव स्टोरी है, बट ये काफ़ी एक कॉन्ट्रडिक्शन है प्रैक्टिकल लाइफ और प्यार की ज़िंदगी में. तो जो नॉर्मल चीज़ें होती है उससे थोड़ी हटके है एंड सबको देखने में बहुत मज़ा आएगा. जी गिरीश जी, आप अभी तक तो शादी शादीशुदा तो सुना था, लवशुदा क्या है कुछ समझाएंगे इस बारे में? अरे आपने खुद ही कह दिया, जैसे शादीशुदा था वैसे लवशुदा होता है. लवशुदा मतलब लव स्ट्रक, बराबर शादीशुदा मतलब शादीशुदा हुआ, ये लव स्ट्रक. किस तरह करेक्ट है? अब बहुत ही करेक्ट है क्योंकि देखिए एक इंसान, एक लड़का है, उसकी लाइफ में लड़की आती है और किस तरह से उसकी लाइफ पूरी तरह से एकदम बदल जाती है, ये एक्चुअली कहानी है. और जो प्यार के लिए क्या कुछ कर बैठता है, तो अभी लवशुदा तो हो गई. Thank you.
हेलो दिस बेड इज वेरी स्पेशल क्योंकि नहीं 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 वेल सबकी कहानियां लव स्टोरी से चालू होती है बेड पे खत्म होती है हमारी लव स्टोरी बेड पे शुरू होती है तो ये स्पेशल है यस अभी और आगे क्या होता है वो देखने के लिए आपको पिक्चर देखनी पड़ेगी यस सर पर ये टाइटल लवशुदा क्यों गुमशुदा सुना है पर लवशुदा क्या है वही तो बोला आपने लवशुदा मतलब लव स्ट्रक क्या बोलते हो आजकल की यूथ वी लाइक टू बी इन लव राइट ऑल ऑफ अस लाइक टू बी इन लव सो यू आर ऑल लवशुदा मैम आई वुड लाइक टू नो योर टेक ऑन रिलेशनशिप्स लाइक मेनी गाइज फेस मेनी प्रॉब्लम्स सो कैन यू गिव देम सम टिप्स कुछ नहीं है बॉस लड़कियों के साथ बस स्वीट रहो बस क्या बोला स्वीट बी नाइस ट्रीट देम टेक केयर ऑफ देम ट्रीट देम लाइक गॉडेसेस एंड जस्ट मेक देम फील लाइक क्वीन ओके सो कैन यू टेल आवर फ्रेंड्स व्हेन इज दिस फिल्म रिलीजिंग इन थिएटर्स सो गाइस आवर मूवी लवशुदा इज कमिंग आउट ऑन द 29th ऑफ जनवरी प्लीज 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 टेक योर फ्रेंड्स टेक योर फैमिली विद द इन द मूवी एंड एंजॉय थैंक यू सो मच Sir Chan, Chan, I would like you to sing a Colosseum chant. I'll tell you the lyrics. I would like you to sing a Colosseum chant. I'll tell you the lyrics. Okay. The lyrics are, you saw us coming, now watch us roar. Colosseum will rock like never before. Okay, on the count of three. Saw us coming, now watch us roar. Colosseum will rock like never before. You saw us coming, you saw us roar. स्क्रीन बंद हो गया Okay guys, I'm taking a video selfie for Instagram. Please cheer for me. Lashula! Okay, now you guys can tag yourself in my Instagram.